आईपीएल 2022 के पहले डबल हेडर के दूसरे मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और पंजाब किंग्स के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में सुपर संडे को हुई दोनों आरसीबी वर्सेस पीवीकेएस की भिड़ंत में पंजाब किंग्स ने 5 विकेट से जीत हासिल कर ली है। पंजाब किंग्स के कप्तान मयंक अग्रवाल ने इस मैच से पहले टॉस जीतकर बैंगलोर को पहला बाजी करने का न्योता दिया, जिसे आरसीबी ने दोनों हाथों से कबूल करते हुए 205 रन जड़ दिए। लिहाजा पंजाब को जीत के लिए 206 रन बनाने थे, जिसका पीछा करते हुए मयंक की टीम ने एक ओवर शेष रहते हुए 5 विकेटों के नुकसान पर इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। अब इतनी बड़ी जीत में सबसे बड़ा योगदान तो ओडियन स्मिथ का रहा। अब भले ही चाहे गेंदबाजी में उन्होंने कुछ खास कमाल नहीं किया है, लेकिन बल्लेबाजी के दरमियान जहां टीम को एक विस्फोटक अंदाज में एंडिंग की जरूरत थी, जहां पंजाब किंग्स हर बार फंसती हुई नजर आती है, पहले लगता है कि वो जीत जाएंगे लेकिन नहीं जीतती है, लेकिन इस बार जो ओडियन स्मिथ ने करके दिखाया है वो पंजाब किंग्स के लिए किसी जादू से कम नहीं है। पंजाब किंग्स के ओडियन स्मिथ मैन ऑफ द मैच चुने गए और जैसे ही वो मैन ऑफ द मैच चुने गए उन्होंने बहुत बड़ा बयान दे दिया। पंजाब किंग्स के ओडियन स्मिथ ने कुछ ऐसा कह दिया है कि सुनकर या देखकर हर कोई हैरान रह गया। आइए जानते हैं आखिर वेस्टइंडीज के इस दिग्गज खिलाड़ी ने क्या कहा मैन ऑफ द मैच बनने के बाद, आईपीएल में पुरस्कृत होने के बाद। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे सब कुछ, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप ही है आईपीएल 2022 के बहुत ही बड़े फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं ताकि क्रिकेट जगत की तमाम बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। खैर तो खैर, ये जानने से पहले कि ओडियन स्मिथ ने क्या कहा, लेकिन आइए उससे पहले जानते हैं इस मुकाबले के दरमियान क्या कुछ देखने को मिला। टॉस हारकर आरसीबी की टीम जब मैदान पर उतरी तो इस टीम को पहला झटका अनुज रावत के रूप में लगा, जो 21 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन इसके बाद कप्तान फैफ डु प्लेसिस और पूर्व कप्तान विराट कोहली ने आरसीबी की पारी को संभाला। फैफ डु प्लेसिस ने इस मैच में 57 गेंदों में 7 छक्के और 3 चौकों की मदद से 88 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। इसके बाद पूर्व कप्तान विराट कोहली और दिनेश कार्तिक ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी। इस मैच में विराट कोहली ने 29 गेंदों में 2 छक्कों और 1 चौके की मदद से नाबाद 41 रन, जबकि दिनेश कार्तिक ने 14 गेंद में 3 3 छक्के और चौकों की मदद से नाबाद 32 रन बनाए। लग ये रहा था कि आरसीबी मुकाबला बड़े आसानी से जीत जाएगा क्योंकि स्कोर बहुत बड़ा है, लेकिन लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब किंग्स की टीम जब मैदान पर उतरी तो कप्तान मयंक अग्रवाल ने टीम को बेहद शानदार शुरुआत दिलाई, लेकिन वो अपनी पारी को बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए। मयंक अग्रवाल ने 2 2 चौके और 2 छक्कों की मदद से 32 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद शिखर धवन और भानुका राजपक्सा ने ताबड़तोड़ 43-43 रनों की पारियां खेली। इस दौरान धवन ने 1 छक्के और 5 चौकों की मदद से 43, जबकि भानुका ने 4 छक्के और 2 चौकों की मदद से 43 रन की पारी खेली। इन दोनों के अलावा कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सका। उनके अलावा लियम लिविंगस्टीन 19 और राज बवा तो 0 पे आउट हो गए। लेकिन आखिरकार बहुत बड़ा बवाल तो तब पैदा हो गया जब ओडियन स्मिथ ने महज कुछ ही गेंदों में 300 से भी ज्यादा के स्ट्राइक रेट से रन बनाते हुए इस मुकाबले को जिता दिया और कहीं ना कहीं आरसीबी से जीत छीन ली है। लेकिन इन सब के बीच ओडियन स्मिथ ने भी ऐसा बयान दे दिया कि हर किसी को चौंका गई। पंजाब को जीत दिलाने में ओडियन स्मिथ ने अहम भूमिका निभाई, जिसके बाद उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैच के बाद उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अपनी तूफानी पारी से मैच जिताने वाले ओडियन स्मिथ को प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब नवाजा गया। मैच के बाद उन्होंने कहा, हमें बेहतरीन शुरुआत मिली थी और यही कारण है कि बाद में आकर खुलकर खेलना आसान हो गया। विकेट अच्छी थी लेकिन मैंने गेंदबाजी के अंदर अधिक रन दे दिए थे। हालांकि बल्लेबाजी बहुत अच्छी हुई और मैंने टीम को जीत दिलाई, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। अपनी गेंदबाजी को लेकर ओडियन स्मिथ ने कहा, मैं गेंदबाजी में अपनी रणनीति पर नहीं टिक पाया, ये मेरी कमजोरी रही। लेकिन उन्होंने आगे कहा, पंजाब किंग्स अब तक एक भी खिताब नहीं जीत पाई है। हमने टूर्नामेंट की शुरुआत में 14 पिक्स की 14 चोटियां नामक पिक्चर देखी थी। एक पहाड़ हमने पार कर लिया है और 13 पहाड़ अभी बाकी है। आरसीबी के खिलाफ ओडियन स्मिथ ने जबरदस्त पारी खेलते हुए पंजाब को जीत दिलाई। उन्होंने इस मैच में 3 छक्के और 1 चौके की मदद से नाबाद 25 रन बनाए, जबकि शाहरुख खान ने 2 छक्के और 1 चौके की मदद से 24 रन बनाए।